हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, बल्कि स्टार हेयर। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं कायरन कोलम फॉर्म, क्योंकि 1.16 बीटा में, मतलब बीटा मैंने इसको टेस्ट कर चुका हूँ। एंड तुम लोग मेरे को कह रहे थे कि भाई एक और आयरन फॉर्म की वीडियो बनाओ, तो मैं बना रहा हूँ। मैं अपडेट आने से पहले ही बना रहा हूँ, क्योंकि जो चेंजेस आने थे वो आ चुके हैं, अब मेरे को लगा कि बना ही देते हैं। तो ये एक सिंपल वाला है, एंड ये मैं वीडियो को 3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 1.16 का बीटा बहुत बार क्रैश हो रहा है, और तुम लोगों की डिवाइसेस में भी क्रैश हो रहा है, तो बताना नीचे। कुछ मेरे ख्याल से बग वगैरह हो रहा है, तो उसकी वजह से रिकॉर्डिंग में मेरी करप्ट ऐसा कुछ हो रहा है, बस रिकॉर्डिंग भी रुक जाती है। तो उसकी वजह से मैं 3 बार इस फॉर्म को ऑलरेडी बना चुका हूँ, एंड शाम के 6 कुछ बज रहे हैं, सुबह से रिकॉर्डिंग में ही बैठा हूँ। सो बनाते हैं इसे। तो आपको बस सिंपल पहले डबल चेस्ट रखना है, एक एंड पीछे, जो अभी कूल कैसे गया भाई। तो पीछे जो है आपको 4 होपर्स रखने हैं, एंड मैं इसको ज़रा सा ऐसे कर लेता हूँ, एंड साथ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इतना मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने कल 2 वीडियोस अपलोड करी थी कि एक नैदर अपडेट की बीटा को कैसे डाउनलोड करें, एंड लेटेस्ट वर्जन को कैसे डाउनलोड करें। कल कल में तुम लोगों ने मुझे 15 सब्सक्राइबर्स दे दिए। क्रैप भाई, तुम जो ना, बस क्या ही कहूँ मैं, इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड रेड फार्म पे काम चल रहा है, मैं उसको जो है थोड़ा इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी। एंड तो चलो, इतना तो हो गया, ये मैं ज़्यादा ऊपर लेके चला गया, इसको इतने ऊपर की ज़रूरत है नहीं वैसे। एंड इस फार्म को प्लीज़ समुद्र के ऊपर बनाना, समुद्र के ऊपर, और अपने जो विलेजर्स हैं उनसे दूर बनाना, कम से कम 100 ब्लॉक्स दूर। अगर आपको डिटेल जानना है कि आयरन फार्म के मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लो, आपको इन डेप्थ पता चल जाएगा कि ऐसी चीज़ें काम करती हैं। आपको रखने हैं बटन ऐसे दूसरे ब्लॉक पे, एंड यहाँ पे भी लगा दो। तो अब हम चलते हैं, तो एक ब्लॉक हो गया, तो हमें 7 ब्लॉक और जाना है, तो 2 3 4 5 6 7। तो गाइज, मैंने जो है ये स्क्वायर कंप्लीट कर दिया है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना? तो वही जहाँ आपने लगाया था। तो अब हमें जाना है एक ब्लॉक ऊपर, तो एक ब्लॉक ऊपर क्या करना है, अब आपको जाना है 6, तो एक हो गया, यानी 5 और जाना है मुझे, तो 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखो, ये टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, ठीक है? नहीं, ठीक है, 6 ब्लॉक्स हैं, तो यही करना है आपको। एंड इधर भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, एक ऊपर आके 2 3 4 5 6, 6 ब्लॉक्स ऐसे ही, एंड इस साइड भी वैसे ही, उस साइड भी ऐसे ही, एंड इस स्क्वायर को भी आपको कंप्लीट कर देना है। तो मैं ये भी करता हूँ, और आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो गाइज, मैंने इस वाले स्क्वायर को भी जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, हर एक कॉर्नर में जो है आपको कुछ ऐसा बनाना है, ये एल शेप सी। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस फार्म को समुद्र के ऊपर बनाना, एंड डिटेल में ये सब चीज़ें जाननी है, और आपका अपना खुद का एक आयरन फार्म बनाना है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है आयरन मैकेनिक्स की फार्म की, जो मैंने पहले ही बताया आपको वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लो जाके। एंड सॉरी, ये ऐसे लगानी है आपको सीधे, यार इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, MCP पे करना है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन PC वाले में हो जाता है जल्दी, यार इसमें टाइम लगेगा। एक पर ये कर देते हैं जल्दी सी, पर मेरे को आपको दिखाना भी है क्या चीज़ें काम करती हैं। तो आपको जो है इस तरीके से लगानी है, कि सीधे लगाने हैं, कभी ए ऐसे उल्टे मत लगा देना, हमेशा जो है आपको ऐसे सीधे ही लगाने हैं। एंड बस हो ही गया, ये मैं एक ही लाइन करूँगा, और बाकी जो है मैं कट कर दूँगा पार्ट को वीडियो में। तो यार, अरे यार, ये हो गया। तो एंड मैं बाकी 4 कोनों में भी ऐसा कर देता हूँ, तो आपको अगली वीडियो मिलता हूँ। तो गाइज, मैंने जो है सारे में जो है लगा दिया, भाई क्या बड़ा हो बन गया ये। एंड ये देखो, ये बन गया। तो आपको जहाँ भी जितने भी स्टेयर्स दिख रही हैं, उन सब पे जो है आपको पानी लगाना है। एंड हमने लगाई इस तरीके से हैं, तो पानी जो है वो नीचे नहीं जाएगा, एंड हमने आगे की तरफ लगाई है, तो पानी जो है आगे की तरफ ही फ्लो करेगा। तो आप जैसे ही सारों पे लगाओगे, ये लग गया, देखे परफेक्ट फ्लो बनाएगा, देखो पूरा पूरा फ्लो बना हुआ है ना, बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा। तो ऐसे जो है आपको सारों पे लगा देना है ये पानी स्टेयर्स पे। तो ये देखो भाई, बिल्कुल ही परफेक्ट बना है, ये देखो। हमें बटन यहाँ सिर्फ सेफ्टी के लगाए थे, ताकि पानी अगर फ्लो कर भी जाए आगे, तो यहाँ पे ना आए। तो अब आपको मेन चीज़ करनी है, हमें लगाने यहाँ पे विलेजर्स। तो गाइस, जब आपको क्या करना है, लावा हम अभी लगा देते हैं, बाई चांस मैं बाद में भूल जाऊँ। तो नीचे वाले बटनों, इस बटन से नीचे आपको लावा लगा देना है, एंड कुछ ब्लॉक्स जो है आपको ऊपर आना है। एक्चुअली
हाँ, तीन ब्लॉक्स बहुत है क्योंकि इनको पास होने के लिए तीन ब्लॉक्स की ही हाइट चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपको जो है ऐसा कुछ भी लगाओ, बस यहाँ पे जो है हमें किसी तरीके से जो है 21 बेडों को फिट करना है। अगर पुराने वर्जन में खेल रहे हो तो आपको 21 बेड ही लगाने पड़ेंगे, एंड 21 बेड लगाओगे तो नए वर्जन में भी काम चल जाएगा, बस हो जाएगा काम, टेंशन मतलब आप 21 बेड लगाओ। एंड 10 हमने लगा दिए हैं तो 10 हमें और लगाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड एक और लाइन खींच लेता हूँ एंड इस साइड जो है मैं एक और लाइन खींच लेता हूँ, पर उससे पहले जो है मैं इन 10 बेडों पे ना विलेजर रखूँगा। तो गाइज मैंने जो है विलेजर्स रख दिया, और ध्यान रखना जो ग्रीन कोट वाले होते हैं उनको कहते हैं निटविट्स, और उनको मत पर सोने दे, मतलब यहाँ मत लेके आना क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होती एंड ये काम नहीं करेंगे फार्म में, एंड बेबी विलेजर्स भी काम नहीं करेंगे। तब आपको क्या करना है, आपको करना है क्राउच, अक्राउच करने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली में, आपको यहाँ पे रखना है। हाँ ठीक है, अब इनके ऊपर जो है आपको ग्लास चढ़ा देना है, टेंशन मतलब ये सफोकेट नहीं होते हैं, यानी कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, ये इनको कुछ नहीं होता, बस ये कहना चाहूँगा। एंड ये तो आराम से सो रहे हैं, तो हम जो है इतना मिड में जो है अपने दो बेड तो लगा ही सकते हैं। तो एक सेकेंड, यहाँ पे बेड लगा देते हैं एंड इस वाले को खाली छोड़ देते हैं एंड इसको कवर करना है। भाई लॉकडाउन की माँ बहन कर रखी है लोगों ने, बाहर अब भी घूम रहे हैं। तो ये हो गया एंड ये मोटरसाइकिलें चल रही हैं, टम्पू चल रहे हैं यहाँ पे भी, एंड अभी तो ये कितने बेड हुए, ये हुए हैं 12 बेड, तो हमें जो है और लगाने पड़ेंगे। तो जहाँ पे है एंड बस नीचे वाले सारे ब्लॉक को आप हटा दो जिन पे आपने बेड लगाए हुए हैं, वरना जो है ये नीचे गिरने लग जाएंगे विलेजर्स। एंड बस हो गया है फार्म कंप्लीट, थोड़ा सा रहता है, ठीक है बस हो गया। ये हो गया है बस, एंड अब जो हमें काम करना है वो है इनको भी सील कर देते हैं। ये हो गया बस, एंड जो है आपको ये साइडों को भी जो है सील करना है, ठीक है ना, इन साइडों को भी सील करना है, इम्पोर्टेंट है भाई, ये छोटी छोटी स्पेसेस में से भी निकल जाते हैं, बड़े ही घटिया टाइप के विलेजर्स हैं। तो ये देखो भाई आराम से बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं कुछ नहीं। तो अब आपको क्या कर देना है, बेसिकली इन 2 सेकंड ये काम मत करना, ये काम मत करना, अभी आपको एक जॉब लॉग रखना है, किसने ये जॉब ली, इसने ली है तो इसको दे देते हैं ये, ठीक है। एंड दूसरा रखो, दूसरी इस वाले बंदे ने ली, जैको ये पार्टिकल्स आते हैं ना ग्रीन ग्रीन, तो उसी को दे देते हैं ये जॉब, एंड ये क्लेम कर ली होगी इसने, यस क्लेम कर ली है दूसरी जो उनके सिरों के, एक्चुअली मैंने गलत काम कर दिया, आपको जो है यहाँ पे लगानी है ताकि जो है अपनी जॉब को एक्सेस कर पाएँ। मैं भूल गया था मैकेनिक, यार मैं मैकेनिक पढ़ते पढ़ते मैं ही ख़राब हो जाऊँगा दिमाग मेरा। तो आपको ऐसे लगाना है कि अपने जॉब को जो है ये देख पाएँ, देख नहीं पाएँ मतलब कि एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, मतलब बस समझ लो ना एक्सेस का मतलब, तुम्हें पता है क्या होता है यार। एंड स्मिथिंग टेबल ही यूज़ करना, दोबारा कह रहा हूँ स्मिथिंग टेबल या ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करना, और कंपोस्टर और लैक्टन मत यूज़ करना, उनसे रेट में जो है डिक्रीज़ होता है, मैंने देखा है ये। एंड ये फार्म कंप्लीट हो गया वही, तो गाइस आज के लिए तो इतना ही, एंड आपके कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर देना। एंड मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है कि मैं अगर एड ऑन्स की आपको वीडियो ला के दूँ, यानी मोड्स हो गए, यानी जैकटैक वगैरह का मोड हो गया, डोरीमोन वगैरह का मोड हो गया, अगर मैं वो आपको प्रोवाइड करूँ तो क्या आप मतलब ठीक रहेगा वो, क्योंकि मेरा चैनल अब तक ट्यूटोरियल्स और गाइड्स पे ही बेस रहा है, तो मैं कभी भी मोड्स एड ऑन्स पे नहीं गया। तो नीचे कमेंट में बताना यार कि ये आइडिया ठीक रहेगा नहीं। एंड तो मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए सी बाय बाय।